एक पासे कोरोना महामारी के प्रकोप के कारण पहले ही लोग डरे हुए हैं तो दूजी तरफ इस संकट की घड़ी च कई बच्चे भी अनाथ हो चुके हैं। अजिहा ही कुछ देखने को मिला हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी के विकास खंड चौंतरा के अंतर्गत ग्राम पंचायत मटरू के बदराला पिंड च, जिथे दो लड़कियां ने अपने पिता की चिता को मुख अग्नि दी। दसन योग है कि इन्हों की माता का पहले ही देहांत हो चुका है, हुण पिता का साया सिर तो उठ गया है। परिवार की आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है, हुण सिर्फ घर च दो लड़कियां संभालने के लिए उन्होंने बुढ़े दादा गोबिंद राम ही रह गए हैं, जिन्हों की उम्र भी 70 साल तो ज्यादा हो चुकी है। जानकारी के अनुसार रवि कुमार पिछले 5 महीने तो बीमार चल रहा सी, ते आज उन्होंने अपने जिंदगी के आखिरी साह ले ते इस दुनिया नूं छड्ड के चले गए। वह अपने पिछे दो बेटियां अते अपने बुजुर्ग पिता नूं छड्ड गए हैं। बेटियां की उम्र 15 अते 17 साल है अते बुढ़े गोबिंद राम नूं इन्हां बच्चों के पालन पोषण ते इन्हां दी पढ़ाई लिखाई की चिंता सता रही है कि किस तरह इन्हां दे परिवार का पालन पोषण होवेगा। बुजुर्ग गोबिंद राम नूं हुण सरकार तो उम्मीद है कि दुख की घड़ी च सरकार सहायता करेगी। दोनों बेटियां ने रोंदे बिलकदे हुए अपने पिता की चिता नूं मुखग्नि दित्ती। मेरा पंजाब न्यूज़ लई हिमाचल प्रदेश तो सुभाष चंदेल की विशेष रिपोर्ट। ਇਹ ਕਮਾਣੇ ਬਿਠਾਣੇ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਤੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਤੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਘਰ ਡੇੜਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਬੁੱਢਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ 41 ਦਾ ਜਨਮ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਇਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਸਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕੈਸੇ ਕਰਤੇ ਹੈਂ, ਕੈਸੇ ਚਲੇਗਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਗੁਜ਼ਾਰਾ? ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕੈਸੇ ਚਲੇਗਾ? ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ, ਭਾਈ ਦਰਬਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਸਾਰਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ। तो सरकार से मांग करना चाहेंगे साहब? चलो कुछ नहीं, कुछ मदद करेंगे अगर मेरा टाइम हल हो जाएगा।